जोहार दोस्तों, मैं सावित्री, मैं गणेश जी, और इधर से मेरे बैग उठा के तैयार है मेरे गणेश जी ऑफिशियल अभी हमारे गणेश जी सुबह सुबह डांस दिखाए, ये हाय कैसी है, ये क्या गाना था इनका, कभी मैं डांस चुपके से दिखाऊंगी आप लोगों को, गजब डांस करते हैं दोस्तों। अभी खाना पीना सब कुछ बना लिए, लेकिन हमारे पास खाने का समय बिल्कुल नहीं है, दवा भी साथ में ले लिए दोनों का, उधर ही दवा खाएंगे दोस्तों, समय नहीं है। कंटिन्यू रहिए आज का ब्लॉग और स्पेशल, चलिए दो लेबर ले जाना है और मिस्त्री मिलेगी, मिस्त्री भी ले लेंगे, लेकिन पहले अब देख लेते हैं कौन जाएगा, पूछ लेते हैं उसके बाद। इधर से फिर से हम लोग को छड़ और सीमेंट मंगवाना पड़ा, क्योंकि हमारी हो गई थी सीमेंट खत्म और छड़ भी। तो इधर से फिर से आ चुका है मुरुम, ऐसे हम लोग कल बुलाए थे, ऐसे हमारा 12 हैबा आना है, लेकिन 5 कल आ चुकी थी, और आज देखते हैं कितना आता है, मैं आपको दिखाती वीडियो। आज का अभी तक 2 हैबा मुरुम आ चुकी है, और देखते हैं, ऐसे तो हम लोग आज सोचे थे 5 हाइबा आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं आते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो आज का आ गया 2 हाइबा मुरुम। दोस्तों इधर से हमारे आंटी लोग थक गई है, और क्या बोलते हैं कि हाँ 2 बजे ये लोग छुट्टी लिए और बोले कि 1 घंटा आराम कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। एक्चुअली धूप हमारे इधर बहुत ज़्यादा है, उसी धूप में प्रॉब्लम। तो दोस्तों अभी हमारे मिस्त्री लेबर सब आराम से ब्रेक लिया है, तो अभी 1.5 घंटा वो लोग आराम करेंगे, तब तक हम लोग भी लाए थे वो चावल, लेकिन सब्जी लाने ही भूल गए थे, तो चावल को जैसे तैसे खाए, इधर पानी वानी कुछ मिलेगा मतलब शरबत वगैरह तो इधर पी लेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे, है ना गणेश जी, तब तक ये लोग काम हो सके चालू करें। चलिए, और थोड़ी सी ओल्ड है ना मम्मी लोग की एज में, तो अच्छा नहीं लगता, वो लोग सो गई है गहरी नींद में, तो लोग को सोने ही नहीं, उठाए नहीं, उठ के आराम से काम करें। चॉकलेटी वाला है, पिस्ता वाला है, पिस्ता ले, एक ही दो, एक लेना, अपना आधा आधा खाने, हाँ लीजिए, एक ही, क्या बोलते गणेश जी इसको, पिस्ता। और दोस्तों इधर से धूप के कारण ना क्या जो गणेश जी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, तो फिर से दिखाने आए एक ओल्ड डॉक्टर है, जो कि गणेश जी हमेशा यही दिखाते हैं और इनका यही दवा में लगते हैं, बोलते हैं अगर वो अंकल हमको चेक करेंगे तो ऑब्वियसली मैं ठीक हो जाऊँगा, इसलिए। दोस्तों क्या है ना, रात रात में गणेश जी का बुखार आता है, दवा खाते हैं, फिर बुखार ठीक होता, फिर धूप में वो रहते, फिर रात में उनका बुखार आ जाता, इसलिए हम बोले नहीं, अच्छा से इसको चेकअप करवाना है, और जहाँ विश्वास है वहीं लेके चलते हैं, ऐसे तो डॉक्टर के पास इलाज कर। इधर से डॉक्टर दिखा लिए और आ गए डायरेक्ट लस्सी की दुकान, बोले ठंडी होती है लस्सी पी लेते, और बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी, पसीना, लस्सी से ही थोड़ी राहत मिल जाएगी हम एकदम दोनों को, तो लस्सी पी लेते। हमारे चोर रूम देखना चाहते थे वो इस तरह से बन रहे हैं, चारों तरफ से दीवार बन चुकी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ पे, और मतलब छोटा सा घर ही समझ लीजिए, सेपरेट रूम, और मैं आपको दिखाती हूँ। और दोस्तों रूम दिखाने से पहले मैं यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, कि इधर इतनी धूप है, इतनी धूप है, इतनी धूप में आंटी भाई लोग सब काम कर रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, क्या बोलें। सेपरेट रूम यही है जो हमारे बन रहे हैं, और ये जगह वही जगह है जो थोड़ी वेस्ट हुई थी, और अभी ऊपर बना है, अभी आधा ही बना है, पूरा नहीं बना है, पूरा बनेगी तो मैं और अच्छा से दिखाऊंगी, लेकिन आपको पता है आपका चेहरा मेरी मम्मी जैसी है, मेरी माँ, मेरे माँ का चेहरा ऐसे ही थे, आपने देखा है ना, एकदम आपके जैसे ही, आपसे 10 साल की छोटी होगी, लेकिन चेहरा बड़ी बड़ी मौसी उन लोग का चेहरा आपसे एकदम मिलती, अभी नहीं है इनकी, अभी नहीं है, 2020 में माँ मर गई, बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, मेरी माँ एकदम आपकी, आपको जब देखे ना पहली बार तभी हम बोले कि देखिए मेरी माँ जैसे दिख रही है, हो रहा है चेहरा ये कसरा,
दोस्तों अभी मिस्त्री लेबर सब घर चले गए, आंटी लोग जो आई थी वो लोग भी घर गए, और अभी समय हो रही है 6:51। और वो जो मैं आंटी का फेस दिखाई, एक्चुअली आंटी का 2 दिन हो गया काम किया हुआ, लेकिन जब मैं आंटी को देखी तभी लगा कि थोड़ा सा हल्का सा फेस मेरी मम्मी से मिल रही है। अगर आप लोग हमारे पुराने वीडियो देखते होंगे, पुराने व्यूअर हो, तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरी मम्मी का फेस उस आंटी से मिलता जुलता है। तो वही आंटी को बोली कि आपका फेस मेरी मम्मी से मिल रही है। और दोस्तों हमारी थोड़ी सी यहाँ पर और गलती थोड़ी सी हो गई। अब क्या बोले, हमारे यहाँ जो जगह है, ये जो हम लोग घर बना रहे हैं, घर के पीछे में हमारी 1 फुट जगह बच रही है। तो 1 फुट जगह बच रही है, वो कोई भी यूज़ का नहीं है, ना ही हम लोग पौधा लगा सकते हैं कोई भी, क्यों 1 फुट में क्या लगाइएगा। ये जो आप देख रहे हो, मैं बैक करके आप लोग को दिखा, जो हमारा बोले एक छोटा सा घर बना रहे हैं, न्यू होम। तो ये जो न्यू होम के बगल में जो ये जो आपको पिल्लर, जहाँ हम बोले थे ना लैट्रिन का टैंक बनाने वाले, लेकिन ये जगह हो गई छोटी, जगह आपको दिखाई दे रही दोस्तों, यहाँ से ये पिल्लर के बाद हमारी 1 फुट जगह बच रही है, जो कि वेस्ट होगी, क्योंकि इसमें अब हम लोग दियाल भी नहीं दे सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और इधर का जगह जबकि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे गणेश जी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ओ मम्मी बोलिए दोस्तों, सुनो अगर जोर से बोलिएगा, दोस्तों सुनो अगर इस 1 फुट जगह का कुछ यूज होता होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हमारी फैमिली लोग जो भी कमेंट करते हैं ना, बहुत फायदेमंद करते हैं। छोटी छोटी दोस्तों, पता है आप लोग से हम लोग उम्मीद क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं, घर बनाने के टाइम भी आपने जो सलाह दिया इस टाइप से बनाना है, ऐसे करके बनाना है, और हमारी इधर 1 फुट की जगह बच रही है। 1 फुट में ना वो जाने देंगे उधर, जिनकी खेत है वो जाने नहीं देंगे उधर, और ना ही कुछ काम करने देंगे। लेकिन ऐसे क्या इधर से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं? तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये हमारे कुछ गलतियाँ हुई है, अब हम अपना ही गलती बोलेंगे, दूसरों को तो बता नहीं सकते कि कौन काम कर रहा है, किसने गलती किया। लेकिन आज का विशेष जो है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि आज हमारा विशेष क्या बना। आपको पता है कि हम लोग रहते हैं भाड़े घर में, रेंट के घर में रहते हैं, अरे बाप रे लकड़ी है, रेंट के घर में रहते हैं। रेंट के घर में किराया हमारा लगता है अच्छा खासा लगता है, जो कि जब भी किराया की बात होती है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा ये हो जाता है, बिजली बिल, पानी बिल, किराया घर का अलग से, ये 3 बिल ऊपर से हम लोग को रहने दे रहा है वही बहुत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो नहीं रहने देते हैं, खास करके परिवार को देख के, तो उसके लिए भी हम तो उन्हें हमेशा धन्यवाद करते हैं। लेकिन किराया बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसके लिए मैं और गणेश जी ने सोचा कि सबसे पहले एक छोटा सा रूम बनाना है, और रूम में देखेंगे हो सके तो जो जाना आना करते हैं इतना दूर से, इतना पेट्रोल लगती और खाने पीने में भी कुछ ये नहीं रहता, तो एक छोटा सा एक चूल्हा और कुछ खाने पीने का इधर ही बना लेंगे। तो यही हमारा छोटा सा हम लोग रूम बनाए हैं। मैं आपको करवा रहे हैं छोटा रूम टूर। आप कहाँ जा रहे हो, आइए ना। अरे मैं छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े जमा करके रख, अरे मैं भी करूंगी ना, साथ में करेंगे बाबू। बाबू बोल दिया, साथ में करेंगे ना जी, एक साथ मैं कर, प्लीज वैसे मत कीजिए, एक साथ आइए ना, अच्छा नहीं लगता है ना। अरे आप बोलिए ना तब तक। नहीं ना, अरे आप बता, आपकी आवाज सुनने के लिए लोग बेताब होते हैं। चलो ठीक है, सुना देते। हाँ प्लीज प्लीज, कोई भी। जिंदगी कैसी है ये पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी रुलाए, जिंदगी। डांस करते करते हमारे गणेश जी अपने काम में लगे हुए हैं और सबको ऐसे ही खुश रखते हैं। आपका ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। और दोस्तों अब मैं एंटर करने वाली हूँ अपने स्वीट होम में। दोस्तों ये ज़्यादा पक्का नहीं, कच्चा टाइप का ही है, लेकिन ये जगह हमारी वेस्टेड थी, जो कि आपको पता है एक तो हमारी जगह कम है, ठीक है, और उस जगह में इतना वेस्टेड हो जाता। आपने देखा गड्ढा मैंने किया था बाथरूम का, जो बोला कैंसल खराब हो जाएगा, उसमें हम लोग ने बुद्धि लगाया कि इसमें एक रूम बनाते हैं जो कि अंदर के रूम हो जाएंगे। इतने अभी तो पिल्लर उठेंगे वो पूरा, प्लस क्या होगी हमारे जो ये मेरे हाथ के जो साइड में, उसमें भी 1 फुट का जगह छोड़ दिया हम लोगों ने, यहाँ पर कोई 1 इंच नहीं छोड़ता।
अगर सोचिए हम लोग 1 फुट जगह छोड़ दें, कल दिन बोलेगा कि नहीं आपका ये वो, मतलब झगड़ा से दूर ही रहना। इसीलिए उधर भी थोड़ी सी जगह छुट्टी हुई है, लेकिन खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। आज मैं आपको नए होम की टूर करवाती हूँ। फाइनली दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मेरा एक छोटा सा रूम बन चुका है, और हम लोग यहीं पर, अभी तो पूरा नहीं बना, पूरा बनेगा तो मैं आपको और अच्छा से दिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल हमारा छत, बस छत होना बाकी है, दीवार चारों तरफ की हो चुकी है, और यहीं पर हम लोग करने वाले हैं फुल इंजॉय, डब्बा पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, सब आपको इसी में दिखाई देगी। और दोस्तों थैंक यू सो मच इस विलेज गर्ल को इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए, कि आज ये आपकी बहन, आपकी बेटी आज इस मुकाम पे पहुंची कि अपने लिए छत बना रही है। सो मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ रहूँगी, और थैंक यू सो मच छोटी छोटी गलतियों पे सही रास्ता दिखाने के लिए, कि बेटा ऐसे सही होता है, ऐसे कीजिए, ऐसे सलाह लीजिए, ऐसे कीजिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अच्छा से हो, और ऐसे ही मैं मेहनत अपनी जारी रखूँगी, और मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।